अस्सलामुअलैकुम। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज है मेरा सफ़र छकरगढ़ की तरफ। टुडे आई एम गोइंग टूवर्ड्स छकरगढ़। अच्छा, एक बात और कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि सड़क जो है वो नई नज़र आ रही है, और इसी वजह से हमारी बाइक बेहतरीन तरीके से स्मूथ चल रही है और ये वीडियो भी बड़ी स्मूथ बन रही है। और ये बिल्डिंग जो आपको मेरे राइट साइड पे नज़र आ रही है वो है स्पिरिट कॉलेज, जो अभी अभी बना है और इसके साथ ही यूनिक कैडेट कॉलेज है। अच्छा, छकरगढ़ जाने का सीन ये था कि मैं छकरगढ़ जा रहा था थोड़े से काम की वजह से, सिर्फ थोड़ा सा काम था और मैंने करवाना था अपनी बाइक का ऑयल चेंज। तो छोटा भाई कह रहा था कि यार बाइक का ऑयल चेंज करवाना है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं करवा लेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ छकरगढ़ के अंदर और वहाँ से जाके करवाता हूँ अपनी बाइक का ऑयल चेंज। अच्छा, जो ऑयल चेंज करवाना था वो मैंने स्पेशल शॉप पे जाना था, एक जो है हुंडा वालों की वर्कशॉप लगा लें आप, सोहेल ऑटो के नाम से है यहाँ पर छकरगढ़ में, और वहाँ से जाके तो मैंने अपनी बाइक का करवाना था ऑयल चेंज। तो क्योंकि वो काफ़ी अच्छी शॉप है जहाँ पे ये गारंटी है कि आपको जो उसका मोबाइल है वो ओरिजिनल मिल सकता है, और साथ साथ विज़िट करवाता हूँ आपको छकरगढ़ और ये छकरगढ़ शहर किस तरीके का है और इसकी ब्यूटी जो है वो आपको। अभी तो आप इसमें एंटर होने लगे हैं और ये देखें कितनी ब्यूटी नज़र आ रही है यहाँ पे। ऐसे ही आपको वीडियो में लग रहा होगा जैसे ये कोई आज़ाद कश्मीर टाइप इलाका है, लेकिन ये नारोवाल के अंदर डिस्ट्रिक्ट नारोवाल के अंदर तहसील छकरगढ़ है। अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे जो लोग अपने मकान बनाने के लिए ईंटे खरीदते हैं वो बट्टा आ जाएगा, जिसे पंजाबी में पट्ठा भी कहते हैं, और बट्टे के साथ आ जाता थी PSO पेट्रोल फिलिंग स्टेशन, जिसे आप पेट्रोल पम्प भी कहते हैं। और यहाँ से आप थोड़ा सा मूव करेंगे, थोड़ा सा फॉर एग्ज़ाम्पल आप 100 या 80 मीटर जाते हैं तो साथ ही आ जाता है छकरगढ़ का जो लारी अड्डा है जहाँ पे बसें वगैरह खड़ी होती हैं। लेकिन वो लारी अड्डा उसकी हालत इतनी अब क्या आपको बताऊँ हो चुकी है कि वहाँ से गाड़ियाँ कम और लोग वहाँ लोग ही कम आते जाते हैं, और अब उसी में नादरा का दफ्तर बना दिया हुआ है उस जो है लारी अड्डे के अंदर, और अब तो वहाँ पे बसें कम, और ईद के लिए जो अपने लोग जानवर सेल करने के लिए मंडी लगाई हुई है वो आपको ज़्यादा इस लारी अड्डे के अंदर नज़र आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लारी अड्डे से थोड़े से पहले आ जाता है PSO का पेट्रोल फिलिंग स्टेशन, और जब आप लारी अड्डा क्रॉस करते हैं तो फिर आगे जा जाता है जी जूम का फिलिंग स्टेशन, और जूम से आप थोड़ा सा मूव करते हैं तो आगे आ जाती है जी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, जिसे आप ई लर्निंग भी कह सकते हैं, आप ऑनलाइन स्टडी के लिए इस्तेमाल करते हैं जी वर्चुअल यूनिवर्सिटी। और एक और चीज़ बता दूं कि अभी बाज़ार स्टार्ट नहीं हुआ, ये अभी लारी अड्डे का एरिया है, और ये रोड जो अभी आपको कंक्रीट डली हुई नज़र आ रही है इसके खस्ता हालात थे, इतने इतने गड़े थे कि बंदा गुजरना तोबा तोबा करके गुजरता था, और अगर उसके साथ कोई सवारी होती थी तो वो परेशान हो जाता था यार कि अब गुजरेंगे कैसे। और अब हम अपनी मंजिल के काफ़ी करीब आ गए हैं जहाँ से हम अपनी गाड़ी का करवाएंगे ऑयल चेंज। लो भाई, सोहेल ऑटो की शॉप तो है बंद, और अभी ऑयल कैसे चेंज हो। और सामने आपको साथ ही एक बिल्डिंग नज़र आ रही है रेड कलर में, वो है जी हसन मार्ट, और हसन मार्ट से राइट साइड पे आप देखेंगे तो वहाँ पे वापटा हाउस है जहाँ से हमारे पूरी जो है तहसील छकरगढ़ में बिजली सप्लाई की जाती है। ये है जी तहसील का ग्रिड स्टेशन जहाँ पे एक्सएन और SDO बैठते हैं, और अब थोड़ा सा मूव करेंगे तो आगे आ जाएगा जी रेलवे फाटक, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जो काफ़ी पुराना है। तो ये है जी रेलवे फाटक जिसके ऊपर से मैं गुज़र रहा हूँ, और यहाँ से स्टार्ट होता है जी मेन सिटी छकरगढ़। और जैसे ही हम सिटी के अंदर एंटर होते हैं तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से सिटी को मेंटेन किया हुआ है, और सेंटर में जो पौधे लगाए हुए हैं बड़ा ही बेहतरीन सीन पेश कर रहे हैं, जिसे हम नज़ारा भी कहते हैं। और इसके साथ ही हो जाती है जी फास्ट फूड स्टार्ट, जैसे कि ये आ गई है ZFC की शॉप जो मेरे लेफ्ट में नज़र आ रही है, और ZFC के साथ बड़ी ही मशहूर कपड़ों का ब्रांड है सदीक फैब्रिक। यहाँ से थोड़ा सा मूव करें तो आगे एक नई बिल्डिंग बनी है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैंक वगैरह जो वो आगे हुए हैं, तो काफ़ी
और एकेडमीज़ वगैरह जो हैं, एकेडमी वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बन गई हुई हैं। और इसके जो ग्राउंड फ्लोर था, सॉरी हाँ नहीं, इसका जो और इसके बेसमेंट में बना हुआ है जी कैश एंड कैरी मार्ट। अच्छा, छकरगढ़ के अंदर इस वक्त मार्ट है जी तीन, पहला हसन मार्ट, दूसरा कैश एंड कैरी मार्ट और तीसरा है सूफी मार्ट। और जैसे ही हम यहाँ से थोड़ा सा मूव करते हैं तो साथ मैदान बैंक आ जाता है। मैदान बैंक से थोड़ा सा मूव करेंगे तो अभी आपको दिखाता हूँ जी, जो तहसील का सरकारी हॉस्पिटल है वो मैं दिखाता हूँ आपको, तहसील हेड क्वार्टर छकरगढ़ हॉस्पिटल। और माशाल्लाह से आपको सड़क की लेफ्ट साइड पे कचरा काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। और यहाँ से स्टार्ट होता है जी TH, तहसील हेड क्वार्टर छकरगढ़। ये देखिए उन्होंने डोर पे मेंशन भी किया हुआ है। और यहाँ से साथ ही फ्रूट्स की जो शॉप हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट आते हैं उनको ज़रूरत होती है फ्रूट की। डॉक्टर सुगेस्ट करता है कि भाई फ्रूट ईट करें, आप फ्रूट खाएँ, जूस पिए। और वैसे जैसे ही आप थोड़ा सा मूव करते हैं तो सड़क के इधर और उधर लेबॉरेटरीज़ और डिस्पेंसरी स्टोर स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, जैसे ही यहाँ से थोड़ा सा मूव करते हैं तो सामने दरमान चौक आ जाता है, सामने इसे मजाइल चौक भी कहते हैं, सामने क्योंकि मजाइल लगा हुआ है ना, इसकी वजह से ये चौक काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और जैसे ही आप यहाँ से थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो यहाँ पर लेफ़्ट और राइट साइड पर चप्पलों की दुकानें शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्वस ले लें, बाटा ले लें, और भी जो दूसरे ब्रांड हैं वो दुकानें स्टार्ट हो जाती हैं। और इन दुकानों के सामने ही रियाज मार्केट आ जाती है, जहाँ पे आप कपड़ा वगैरह बाय कर सकते हैं। और ये आ जाता है सामने अल्लाहू चौक। अल्लाहू चौक ये असल में ये है मेन चौराहा। यहाँ से आप स्ट्रेट चले जाएँ तो आप जाते हैं जी नैना कोट खलासपुर की तरफ, आप राइट ले लें तो आप जाते हैं जी नूरकोट की तरफ, और अगर आप यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं तो आप जाते हैं जी शमाल की तरफ। और ये जो बिल्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है तहसील छकरगढ़ की कचहरी। और आप देख ही रहे हैं कि कैसे रिक्शे वालों ने, फ्रूट वालों ने और लोगों ने सड़क कवर की हुई है, यहाँ पर बाइक का गुजरना मुश्किल हो गया हुआ। अच्छा, ये देखें जी फ्रूट वगैरह भी लगा हुआ है जिस तरह भी, लेकिन यहाँ से वन वे हो रहा है ख़त्म। आगे फिर से जो रास्ता है स्ट्रेट जाता है और लेफ़्ट जाता है। अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप जाते हैं जी दीनबीर की तरफ, अगर लेफ़्ट लेंगे तो आप जाते हैं जी नैनाकोट और खलासपुर की तरफ। अच्छा, इस तरह के मैंने लेफ़्ट इसलिए लिया है कि यहाँ से थोड़ा सा आगे हुंडा वालों की एक नई वर्कशॉप बनी हुई है, तो वहाँ पर जाके तो मैं करवाता हूँ अपनी बाइक का ऑयल चेंज। और साथ ही आपको दिखाऊंगा जी यहाँ पे जो छकरगढ़ का पुल है, तो वो पुल भी आपको दिखाऊंगा। और ये लेफ़्ट राइट साइड पे जो है ये लड़कों का स्कूल है छकरगढ़ का, जो लड़कों के लिए गवर्नमेंट स्कूल है ये वो है। और यहाँ पे खेलने के लिए ग्राउंड्स भी बनी हुई हैं हॉकी और फुटबॉल की। और ये देखें जी सड़क पर कैसे जानवर घूम रहे हैं लापरवाह होके, विदाउट एनी टेंशन। और अभी हुंडा की जो है शॉप वो दूर से नज़र आना शुरू हो गई है, लेकिन मेरी दुआ है कि यार वो भी खुली हो, वरना मेरा आने का इधर फ़ायदा ही कोई नहीं होगा। क्योंकि अगर वो भी दुकान खुली ना हुई तो फिर मैं अपने टाउन में भी ऑयल चेंज करवा सकता था, फिर मुझे छकरगढ़ आने की क्या ज़रूरत थी। और यहाँ पर लारी अड्डा भी था जो छकरगढ़ से नैनाकोट की तरफ वैग और बसें वगैरह जाती थी ना उनके लिए, लेकिन इशू ये बना है कि अब वो भी ख़त्म हो चुका है। अब वैगन वगैरह कोई नहीं जाती, सिर्फ आप बस पे बैठ के और रिक्शों पे बैठ के नैनाकोट जा सकते हैं। और यही रोड है जो बड़ा भाई मसरूर, जिसे बड़ा भाई भी कहते हैं, उसकी तरफ जाता है। और ये देखें जी एक और चीज़ कि छकरगढ़ में क्या चेंजिंग आई है। छकरगढ़ में चेंजिंग ये आई है कि किप्स वालों की भी ब्रांच छकरगढ़ में ओपन हो चुकी है, जो मैं आपको बैकग्राउंड सबसे पहले जो मैंने आपको दिखाया था सुपीरियर कॉलेज, वहाँ से स्ट्रेट रास्ता जाता है और वहाँ पर किप्स वालों की ब्रांच बनी हुई है और काफ़ी VIP टाइप बनाई है उन्होंने। तो अभी जी आपको नज़र आ रहा होगा हुंडा का लोगो, ये है जी हुंडा वालों की बिल्डिंग, जो हुंडा वालों की वर्कशॉप लगा लें आप, जहाँ पे उन्होंने शीशा वगैरह लगा के ऊपर वाले दोनों पोर्शनों में, तो अपनी बाइक सेल करने के लिए खड़ी की हुई हैं न्यू बाइक्स। और मुझे ये भी इल्म नहीं है कि इनकी ऑयल चेंज सर्विस है कि नहीं है, लेकिन चल के देखते हैं। ऐसे काफ़ी अच्छा सेटअप बनाया हुआ है इन्होंने, ये देखें ये हमारी बाइक खड़ी है ऑयल चेंज होने के लिए। और ये ग्राउंड फ्लोर नहीं है, ये अंडरग्राउंड है,
बनाया हुआ उन्होंने, ये देखें। तो अभी करवाते हैं गाड़ी का ऑयल चेंज यहाँ से और फिर चलते हैं नेक्स्ट घर की तरफ। गाड़ी का ऑयल चेंज हो रहा है, बनाया यार ये नवा नवा ही ये जी गाड़ी में से फुल ऑयल निकाल दिया, अब नया ऑयल डालेंगे। ये आ गया जी नया ऑयल, एटलस कंपनी का ऑयल है। ये डाल जाना भाई गाड़ी के अंदर। चले जी ऑयल डाल गया, इधर ऑयल डाल गया और अब पेमेंट करते हैं और चलते हैं घर की तरफ। ऊपर जाएंगे यहाँ से, ये यहाँ से हम आ गए ऊपर और यहाँ से निकल आए जो इनका सेटअप था। तो अभी आपको पुल दिखाना है, अभी वो दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये है जी पुल जो आपको मैंने कहा था कि मैं दिखाऊंगा आपको, ये है पुराने वाला पुल और साथ ही नए वाला पुल है। ये आ गए हैं जी हम पुल के ऊपर, ये देखें जी इसकी लेफ्ट साइड पर जो है वो पुराने वाला पुल है, डबल पुल आ जाते हैं, और ये है नया पुल और वो साथ जा रहा है। नहीं नहीं में अभी तो पानी कोई भी नहीं है वैसे ही, ये देखें सारा वैसे पड़ा हुआ है और वहाँ पे भी सारा वैसे पड़ा हुआ है। ये देखें नीचे और सामने ट्रैफिक देखें, ये भी अभी अभी नए तमीर हुआ है, इसको एक साल हो गया बने हुए ना नए पुल। ये था जी चक्रगढ़ जहाँ से मैंने अपना ऑयल चेंज करवाया और आपको दिखा दिया जी चक्रगढ़ की बूटी वगैरह। ये देखें काफ़ी हाइट पे है जो है ना सड़क, और ज़मीनें बड़ी नीचे हैं और यहाँ पर भी फ्रूट की रेड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं। ये देखें जी फ्रूट की रेड़ियाँ।